हर जगह बॉडी शेमिंग का चलन है। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उन्हें पतले होने की सलाह दी जाती है, और जो पतले होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो अपना खान पान अच्छा कर ले। जहां एक तरफ 70% लोग अपने अधिक वजन की वजह से परेशान हैं, तो वहीं 20% लोग अपने दुबले पतले शरीर की वजह से। सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक हृष्ट पुष्ट शरीर होना सिर्फ दिखावे के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है। एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमारे शरीर का वजन हमारी हाइट के समानुपातिक होना चाहिए। कहा जाता है कि आपका वजन आपकी उम्र, आपकी हाइट और आपके जेंडर पर निर्भर करता है। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ वजन बढ़ाने के उपाय के बारे में बताऊंगी, बल्कि इसके कारणों के बारे में भी बताऊंगी। यानी कि मेरी इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस कारण से एक व्यक्ति अपना वजन खोता है। नमस्कार, मैं रितिका आचार्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परम आनंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना शारीरिक वजन बढ़ा सकते हैं। यूं तो वजन घटाने के साथ साथ वजन बढ़ाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बस आपको सही शारीरिक वजन पाने के लिए सही व पूरी मेहनत करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं बाकी डॉक्टर्स की तरह आपको एलोपैथिक दवाइयों की कोई लंबी सी लिस्ट थमा दूंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आयुर्वेद की कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक औषधियां बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल कर आप अपना वजन 100% बढ़ा सकते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से एक व्यक्ति अपना वजन खोता है। भूख की कमी, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, वंशानुगत, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, तनाव या फिर डिप्रेशन, नींद की कमी, बिगड़ा हुआ या फिर कमजोर पाचन तंत्र और इम्यूनिटी की कमी। वजन बढ़ाने के लिए आपको सही समय पर सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर में कई सारी बीमारियां घर कर सकती हैं, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी, दिल से जुड़े विकार, बांझपन, खून की कमी और इम्यून सिस्टम का खराब होना। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में जिसको इस्तेमाल कर आप अपने शारीरिक वजन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अंजीर। अंजीर में पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि शरीर को हेल्दी कैलोरीज प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि शरीर को मोटा करने में मदद करते हैं। इसके लिए बस आपको 5 से 6 सूखे अंजीर को 1 ग्लास पानी में भिगो के रखना है। अगली सुबह आपको इसका आधा भाग खाना है और इसका बचा हुआ भाग अगली दोपहर में। इसके अलावा आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेजिन्स। कहा जाता है कि रेजिन्स में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि शरीर को मोटा होने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये शरीर को पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि मोटा होने के लिए एक दिन में लगभग आपको 1 मुट्ठी किशमिश खाना चाहिए। आलू। आलू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अक्सर कहा जाता है कि शरीर को मोटा करने के लिए आलू का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो कि शरीर को मोटा होने में मदद प्रदान करती है। आप आलू को भूनकर या फिर उबालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप बनाना यानी कि केले का सेवन कर सकते हैं। केले में अधिक मात्रा में कैलोरीज पाई जाती हैं जो कि शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती हैं। एनर्जी के साथ साथ ये शरीर में वजन बढ़ाने का भी कार्य करती हैं। आप सुबह नाश्ते में रोजाना 2 केले का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी सकते हैं। ऐसा करने से आपका वजन अवश्य ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा बादाम का सेवन करें। कहा जाता है कि बादाम में पॉली अनसैचुरेटेड वसा होती है, ये शरीर को हेल्दी कैलोरीज प्रदान करती है। यदि आप इसका सेवन रोजाना करते हैं तो आपका वजन अवश्य ही बढ़ेगा। इसका सेवन करना बड़ा ही आसान है। आपको 1 गिलास दूध में 4 से 5 बादाम, 2 खजूर, 1 सूखा अंजीर डालकर उबालना है। हल्का ठंडा होने पर इसका सेवन करें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपका वजन आसानी से बढ़ सके। आपको तंबाकू, शराब और चाय का सेवन नहीं करना है। कोशिश करें कि आप तनाव से दूर रहें। जितना आप तनाव से दूर रहेंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। इसके लिए आप रोजाना सुबह उठकर योगासन कर सकते हैं। पूरे 8 घंटे की नींद लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, वजन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करें। आप कुछ वजन उठाने से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है
और आपका शरीर ताकतवर बनता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो अपने भोजन में मीट, मछली, अंडा, इसका सेवन रोजाना करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्राकृतिक जड़ी बूटियों व उन जड़ी बूटियों से निर्मित की गई आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, जिसका इस्तेमाल कर आप अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। यदि मैं जड़ी बूटियों की बात करूँ तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा, विदारी कंद, शतावर और सफ़ेद मूसली। यदि मैं आयुर्वेदिक औषधियों की बात करूँ तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा रिष्ट, ब्रह्म रसायन और सी हेल्थ ग्रैन्यूल्स। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अपना वजन बढ़ाना है तो उन्हें किन किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यदि आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई आयुर्वेदिक औषधियाँ या फिर जड़ी बूटियों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उसे परमानंद आयुर्वेद के द्वारा मंगा सकते हैं। इसके लिए बस आपको सर्च करना है www.paramanandayurveda.com। इस पे जाएं और जिस भी आयुर्वेदिक औषधि की आपको आवश्यकता है उसे ऑर्डर करें। ऑर्डर की हुई औषधि मात्र 3 से 4 दिनों में आप तक पहुँचा दी जाएगी। यदि आप चाहें तो हमें फोन, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको डायल करना है 999-000-4674। इस नंबर पे कॉल करके अपनी औषधि के बारे में बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमसे औषधि मंगाने के लिए आपको हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। वो इसीलिए क्योंकि हम आपको सुविधा देते हैं फ्री होम डिलीवरी की, और ऐसा करने वाली हम इस देश की एकमात्र कंपनी है। इतना ही नहीं, हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों पे देते हैं डिस्काउंट, वो भी पूरे 10-15% तक का। और अब आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि को हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। आपको ये हमारा VIP ऑर्डर फॉर्म हमारी वेबसाइट के होम पेज पे मिलेगा। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी आयुर्वेद व आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारियां मिलती रहें। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि और उससे मिलने वाले बहुत सारे लाभों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।